महंगाई हाय महंगाई। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी, फल, अंडों और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों को पर लग गए। बड़ी ईद पर बड़ी महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। रावलपिंडी में सब्जी खरीदने पर मुफ्त मिलने वाले हरे धनिये की कीमत 20 रुपए गड्डी मुकरर कर दी गई। गर्म मौसम में अंडे 127 रुपए दर्जन। अगले कारोबारी हफ्ते में कीमतों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। इतवार बाजारों और ओपन मार्केट में आलू 70 रुपए, टमाटर 100 रुपए, अदरक 470 रुपए, लहसुन 220 रुपए, लीमू 150 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 110 रुपए किलो, दूध 120 रुपए लीटर, दही 130 रुपए, केला 110 रुपए दर्जन, आम 150 रुपए किलो, आड़ू 150 रुपए किलो, अंगूर 200 रुपए किलो, चीनी 86 रुपए किलो, घी 175 रुपए पैकेट, आटा चक्की 70 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अंजुमन दाजान सब्जी मंडी के सदर गुलाम कादिर मीर और चेयरमैन करियाना मर्चेंट एसोसिएशन परवेज बट ने कहा है कि इंतजामिया तलब और रसद बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है, जबकि होलसेल डीलर्स पर कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। लाहौर में भी ईद करीब आते ही सब्जियां महंगी हो गई और जिला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। आलू 55 के बजाय 70 रुपए, टमाटर 67 के बजाय 120 रुपए किलो और प्याज 27 के बजाय 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। अदरक 400, लहसुन 350, प्याज 50, कद्दू 60, बैंगन 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। उधर कराची में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 100 रुपए, आलू 70, अदरक 400 रुपए, खीरा 80 रुपए, हरी मिर्च 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है।